ये हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, ये कनेक्टर किसके साथ, ये सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी इसकी एसी सप्लाई की कैलकुलेट करनी है। इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, ये हम जैसे ऑन किए, ये देखें हमारा इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑन हो गया और ये सिस्टम जनरेट किया कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर के अंदर दो कॉइल्स हैं जो इस रॉड को हॉरिजेंटली करने के लिए यूज़ कर मतलब के परफॉर्म कर रही हैं इनको। ये थ्रेड लगी हुई है, ये देखें ये ब्लैक थ्रेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, जिसकी जो मैंने आपको बताया था, जिसका मास पर यूनिट लेंथ ये 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर है, और ये फिर पुली कनेक्टेड है यहाँ पर, और पुली से ये थ्रेड ओवरऑल होकर ये नीचे पैन में कनेक्ट हो रही है। ये पैन है, ठीक है, ये पैन है आपका, और इसका मास है 8 ग्राम फिक्स है। अभी इसमें हमने क्या किया है, 5 ग्राम मास ऐड किया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स तब बनती हैं जब एक पॉइंट फिक्स हो, दूसरा पॉइंट एयर में वो मतलब के फिक्स ना हो, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, क्योंकि ये फोर्स अपोजिट टेंशन होती है, अपोजिट फोर्स परफॉर्मिंग इन अ थ्रेड, ठीक है। ये जब जनरेट होती है तब ये क्या, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं। अब ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे आ गया है, इसको हम देख लेते हैं ऑन करके कि क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये मैंने टेबल पहले भी मैंने, आप चले ऑब्जर्वेशन टेबल पे आ जाएं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल पे ऊपर ये आपका फॉर्मूला हुआ है, कितनी है 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर, उसके बाद मास पर यूनिट, मास ऑफ पैन कितना है 8 ग्राम, मैंने यहाँ पर 8 ग्राम लिख दिया है, ठीक है। नीचे आ जाएं, ये सीरियल नंबर, ये इतने कॉलम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का, सेकंड है मास इन पैन M2, हम जो मास ऐड करेंगे पैन में वो कितना होगा, स्टार्टिंग हमारा होगा 5 ग्राम, फिर 25 ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, मास 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13 ग्राम हो जाएगा, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये इसी तरह ये मास इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ लूप्स कितने आपने लेने हैं, 2 लूप्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, हर किसी में 2 लूप्स की कैलकुलेशन। टोटल लेंथ ऑफ एन लूप्स हमें क्या करना है, अब लेंथ कैसे लेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लूप जो वैल्यू आएगी, फिर लेंथ ऑफ वन लूप मतलब कि इसको जो वैल्यू आएगी एल की, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी में आपने एल कौन सा प्लेस करना है, ये वाला प्लेस करना है। हम फिर क्या करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर एल लेंथ आपने प्लेस करनी है, ये वाली कैलकुलेशंस नहीं, ये इसमें की हुई है, 58.2, ठीक है। आपने ये लेंथ कैलकुलेट डालनी है, और इसमें लेंथ आपने ये, मैं बाकी आपको परफॉर्मेंस में समझा दूंगा ये स्लाइडली, जब हम जैसे जैसे परफॉर्म करते रहेंगे, क्लियर। अब जैसे हमने सिस्टम ऑन किया तो हमारा इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑन हो गया है। हमने ये बल्ब लगाया हुआ है सीरीज में सर्किट के साथ, ऐसा क्यों है, हमने सीरीज में बल्ब क्यों लगाया हुआ है इसके साथ, ये देखेंगे थ्रेड जनरेट हो रही है, ये देखें, अगर ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर को मैंने ऑन कर दिया तो ये बल्ब इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये बल्ब क्यों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका आंसर ये है कि ये अगर सीरीज में कनेक्टेड ना हो तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई इसको इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर को बर्न कर सकती है, तो क्या इतना कुछ अपना करंट बल्ब जो है कंज्यूम कर लेता है, बाकी वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये एज अ बल्ब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर ऑन हो गया और ये मूव कर रहा है राइट लेफ्ट, तो आप ये देखें ये थ्रेड जो है वर्टिकली मूव हो रही है, जैसे लूप जनरेट कर रही है, पहले लाइन में वो ऐसे तरह जा रही हैं और दूसरे में ये इस तरह से जा रही हैं, तो इतनी स्पीड में होने की वजह से उसके साथ क्या हो रहा है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखें। ये अगर आप थोड़ा सा ये देखें, ये एंटी नोड्स बन रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करें सर, ये बिल्कुल डार्क पॉइंट पे थोड़ा सा ब्लैक डार्क हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या एंटी नोड रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर नोड बन रही है, फिर एंटी नोड बन रही है, और फिर इस पॉइंट पर एंड
नोड बन रही है। हमने क्या है, एल कैलकुलेट की लेंथ लेनी है। कैसे लेंगे, लेंथ ऑफ टू लूप्स, हमने मतलब कि दो नोड्स के दरमियान जो लेंथ होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है थ्रू दिस स्केल इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स। सर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं स्केल, थोड़ा सा और स्ट्रेट करना पड़ेगा सर मुझे ना थोड़ा सा, बस सही है। यहाँ से स्केल, यहाँ से पहली नोड बन रही है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक लूप यहाँ पर कंप्लीट हुआ, दूसरा लूप यहाँ, डिस्टेंस 56 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ लिख देंगे, टोटल लेंथ कितनी बन रही है, 56 सेंटीमीटर्स बन रही है। ठीक है, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे ऑपरेशन को, हमने क्या किया ये 5 के साथ। अब क्या करेंगे, इसमें 10 ग्राम का मास प्लेस करना है। ये आपके पास क्या है, ये वेट बॉक्स, ये है आपके पास वेट बॉक्स है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के वेट्स आपके पास पड़े हुए हैं। हमने पहले क्या किया, 5 ग्राम का वेट यहाँ से उठाकर प्लेस किया था। अब क्या करेंगे, 5 ग्राम को वापस रिप्लेस कर देंगे और 10 ग्राम का वेट उठा के पैन में प्लेस करेंगे। तो इसकी वजह से जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो आपकी टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगी, तो लूप की लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब फिर से कैलकुलेट करते हैं, देखें आप, ये देखें, ये नोड बन, फॉर एग्जांपल ये नोड है, फिर ये एंटी नोड है, यहाँ पर एक लूप कंप्लीट है, दूसरी नोड आ गई, फिर उसके बाद ये चलता गया और ये दूसरी हो गए, तो हमने दो लेंथ के दरमियान लेना था। तो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है तकरीबन 61 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, हमने 8 ग्राम मास डाला तो ये क्या हो गया, 10 प्लस 8 18 हो गया, टू लेफ्ट की हमने कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास क्या हो गया, 61 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। ठीक है, उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, 15 ग्राम का हमने मास प्लेस करना है, एक आखिरी ग्राम। ठीक है, हमने फिर क्या करना है, 10 उसमें था और 5 और प्लेस कर दिया। ठीक है, हमारे पास 15 ग्राम हो गया। अब क्या हो गया, जैसे फिर से लेंथ इंक्रीज हो गई, तो फिर क्या होगा, आपका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट नोड आ रही है, ठीक है, ये नोड है और ये देखें, ये हो रही है कंडीशन, ये देखें वाइब्रेट है, ये क्या हो रहा है, एंटी नोड बन रही है। फिर आगे चले, ये देखें यहाँ पर एक नोड कंप्लीट हो गई, फिर आगे देखें एंटी नोड बन रही है, ये दूसरी नोड कंप्लीट हो गई। तो अब आपका डिस्टेंस आ रहा है, जो लेंथ आ रही है वो कितना है, 73 सेंटीमीटर आ रहा है, 73 सेंटीमीटर। टू लूप की करनी है, 8 प्लस 15 हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लेफ्ट ब्लैंक पेज पे कैलकुलेशन इसकी परफॉर्म करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। 1/2L अंडर रूट mg/m, जैसे हम पहले 5 ग्राम के लिए करते हैं, तो हमारे पास 5 ग्राम के लिए जो लेंथ थी वो कितनी थी, 56 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 56 एंड विजिबल है यहाँ पर करा 56 कैपिटल M, यहाँ पर क्या है, 13 सेंटीमीटर्स है, 13 सेंटीमीटर्स है, 13 सेंटीमीटर, 13 सॉरी 5 क्या हो जाएगा, 13 है। G हमारे पास क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी क्या होगी, ये 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में करेंगे तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ये लिखे, और स्मॉल m क्या है आपके पास, 0.0017। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, अब इसको थोड़ा सा परफॉर्म लिखते हैं, ये हम कैलकुलेटर में आ गए, कैलकुलेटर 13 मल्टीप्लाई बाय 980 डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.0017। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 56 सॉरी अगेन रिपीट करते हैं इसकी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 56 क्या हो गया, 112 बाय 1 डिवाइडेड बाय, आंसर आपका हो गया ये 8.92 टेन टू पावर माइनस 3। ठीक है, नहीं नहीं हाफ तो फिर करते हैं इसका, 13 मल्टीप्लाई बाय 980, ठीक है सॉरी 13 मल्टीप्लाई बाय 980
इज इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय व्हाट 0.0017. ओके दिस इज द आंसर. इसका अंडर रूट लेते हैं, आपके पास ये आंसर आ गया. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास पहली वैल्यू आई थी 8.92 माइनस 10^-3 नहीं, जस्ट वेट, थर्टीन. इसको यहाँ पर है 13 × 980, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0017. ओके इसका अंडर रूट हम निकाल लेते हैं आंसर का, तो हमारे पास ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/112 24 आ गया. ठीक है, अगर इसकी जगह हम वो लिखें, अगर ये वैल्यू लिखें डिवाइडेड वाली वैल्यू, L/N है हमारे पास, तो कौन सी वैल्यू लिखेंगे इसमें?